नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश में मनाई जाने वाला ये महापर्व महाशिवरात्रि आज मुंबई के कुर्ला इलाके में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हाँ, भारत भर में या यूँ कहिए कि देश विदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा इतने धूमधाम से होती है कि बस उनकी छटा देखते ही रह जाते हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं कुर्ला के इलाके में महाकपिलेश्वर मंदिर में, जहां पर सवेरे से हजारों की तादाद में भक्त और श्रद्धालु इस महादेव की पूजा में अपना तन मन अर्पण करने जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज 60-70 साल से कपालेश्वर मंडल और ये मनकामनेश्वर ये सब मिलकर आज ये बड़ा उत्सव जो है सिंधी कुटुंबी और सब जातियों के कुटुंब से ये इधर ये महोत्सव होता है। और ये महोत्सव आज तक इन्होंने बहुत सा बढ़ाया है। 1945 से ये प्रोग्राम चालू है इधर पे, ये शिवरात्रि का उत्सव। उसके पहले से मंदिर है, 100 साल पुराना मंदिर है ये। और ये उत्सव बहुत बड़े प्रमाण में होता है, 30-40 हज़ार लोग आके जाते हैं इधर पे। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन ये मंदिर 1945 से है। जब पार्टीशन हुआ था तब हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे और उन्होंने आपस में मिलकर ये मंदिर की स्थापना की। हमारे फाउंडर ट्रस्टी श्री नंदलाल जी अभी भी प्रेजेंट हैं, जो आज 95 इयर्स के हैं। उन्होंने मिलकर ये मंडल की स्थापना की। लगभग 1948 से ये मंडल स्थापित हुआ और 1977 में मंडल का रजिस्ट्रेशन हुआ एज अ ट्रस्ट। और तभी से आज तक इसी मंदिर में, इसी प्रोग्राम में हर शिवरात्रि का प्रोग्राम मनाया जाता है। मंडल के और भी कार्य हैं, एक तो ये शिवरात्रि का महापर्व रहता है और दूसरा मेन कार्य हमारा है फ्री आई ऑपरेशन कैंप। हर साल दिवाली में, कार्तिक के महीने में हम कैटरेक्ट के ऑपरेशंस करते हैं, इंट्राऑक्युलर लेंस डाल के विद द लेटेस्ट फेको इमल्शन, एंड एक पैसा भी चार्ज किया नहीं जाता है पेशेंट को। राइट फ्रॉम द डे वन, जब से एग्जामिनेशन होता है और लास्ट तक जब तक उनको चश्मे होती है, 40 डेज तक उन्हें मेडिकेशन भी पूरा फ्री दिया जाता है। फिर सीजनल जब स्कूल्स रीओपन होते हैं तो वो टाइम पे हम उनको सबको एक्सरसाइज बुक्स भी देते हैं बच्चों को, उनकी रिजल्ट को देख के, उनकी अपना परसेंटेज वगैरह देख के, वो हिसाब से उनको एक्सरसाइज बुक्स दिए जाते हैं। और हर महीने हमारे दादा रेशन चलाते हैं, लगभग 125 से 150 कार्ड्स हैं जिनको फ्री रेशन दिया जाता है। आपने सुना रमेश जी को, वो कह रहे थे कि यहाँ पर न सिर्फ पूजा पाठ होता है, न सिर्फ यहाँ पर भगवान को पूजा जाता है, लेकिन इंसानों की भी सेवा होती है, यानी कि ये मानव सेवा भी करते हैं। हमने अपने कंधों पर भार लेने का जो आपने अभी विषय कहा, हाँ। इसके पहले भी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, इन्होंने इस मंदिर की सेवा करते हुए आए हुए हैं और आगे आने वाले मेरे भी आगे वाली पीढ़ी रहेगी और यहाँ पर रहने वाले सभी राईवासी ये यहाँ पर सेवा करते रहेंगे। इनके माध्यम से सेवा होती रहेगी और यही शिवरात्रि, यहाँ पर होने वाला नवरात्रि, रामनवमी, गोकुल अष्टमी जो विषय है, जो उत्सव है, वो हमेशा होते रहेंगे, काफ़ी अच्छे स्तर पे होते रहेंगे। क्या बात है। इस मंदिर के न सिर्फ पुजारी है, रक्षक है, लेकिन कर्ता धर्ता भी हैं। और इनके साथ आप देख रहे हैं मनराज प्रतिष्ठान के श्री मनोज नाथानी जी, यानी कि आप देख रहे हैं हमारे संगम हमारे लोगों का। तो आज हम नंदलाल जी से बात करेंगे और पूछेंगे इस मंदिर के बारे में, कुछ बताइए दादा। भले तो सिंधी में गालायो, कदी मंदिर चालू कयो, मंदिर तो वहाँ चालू कयो ना, इते साईं कयो, हां साईं कयो, हां बुधाय बुधाय दादा केरे साल गड़ जे 1948 का हिंदी में छोड़ो, हिंदी में हे मंदिर चालू जो थो मूसा गाड़ो पिता मोटू मन जी वो अम्मा बही पे वेंदा चालू कर 70 साल थींदा, हाँ चालू कर आज़ादी छो है ना जो राशन जो कम हल्द हर सूमर जो पहले सूमर से
गरीब के राशन दींदा अखियुनि जी कैंप ॾियारी खां पोइ ॾियारी गुज़रंदी आहे पोइ हुनजी अखियुनि जी कैंप चालू थींदी आहे राम घर राशन असांजा गुरू स्वामी शांति महाराज उन्हनि चयो हुयो मूंखे नंद कुझु बि थी थो वञे अखियुनि जी कैंप ऐं राशन कॾहिं बि बंदि न कजे जेके तोखे कुझु पैसा खपनि मां वठो आहे मां तोखे ॾींदुमि स्वामी जन जो चयो ऐं उहा ई स्वामी जन जी सम्झ आशीष असांजे मथां आहे जेके अॼु ॾींहं ताईं हलजी अचे कॾहिं असांजो पैसो खोटो न आहे न को कंहिंखे चवंदा आहियूं साईं पाण ई हिते पूरा ई करे वेंदो मूंखे पूरो हिन महिल साथ मिलंदो हिनजी बेबी कंचन इहे ईअं बि पिया आहिनि ॼण त हाणे हाणे मुंहिंजो ज़रूरी कोन्हे मूंखे वॾो साथ हिननि जो आहे नंदलाल जी कह रहे थे की उहो 96 ईयर्स के है और 70 वर्षों से करीब करीब इस मंदिर की ना सिर्फ देखभाल करते हैं ना सिर्फ उसका ध्यान रखते हैं लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि वो कैट्रिक के ऑपरेशन कराते हैं अनाज दान करते हैं और रमेश जी ने बताया कि वो एजुकेशन के लिए बच्चों को पुस्तक और बहुत सारी चीज़ें दान समाज उपयोगी काम यहाँ के जो नंदलाल जी करते हैं सीनियर लेडीज़ लोगों को राशन बांटना वगैरह वो काम वो प्रोग्राम में भी मैं आया हूँ और ये जो यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं उस काम के लिए हमारी हमेशा शुभकामनाएं रहती है हमारा सहकार्य रहता है और हम भी जब भी पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है मंदिर के लोगों से हम लोग भी मदद लेते हैं कि इतने सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं और किस हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों से दादा तवां आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने इतनी तकलीफ के बाद भी ये सारा बना दिया है यहाँ पे जो पानी वापरा जाता है वो भी कैंस का पानी है डायरेक्ट टैप वाटर यूज़ नहीं करते हम कैंस में और बर्फ को भी आपको बाहर से ठंडा करते हैं चलो पिलाओ बांग हमें भी इसका मतलब है कि यहाँ पर बिस्लेरी वाटर से बनाया हुआ भंग पीने को मिलेगा तो हमारे साथ है हर्षद हमारे साथ हर्षद जी हैं जो ये फोटोग्राफी कर रहे हैं और मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा तो ले लीजिए वाह सही में बहुत मज़ा आ गया इस बंग को पी के मैं गिरूंगी नहीं झूमूंगी नहीं लेकिन पीने का आनंद लूंगी आप सबको एक बार कुल्ला वालों को इस मंदिर को रमेश जी को दादाजी को और बाकी सारे लोगों को हम लाख लाख बधाइयाँ देते हैं कि इन्होंने जो आज महापर्व का उत्सव का मनाया है वो फिर से एक बार हम देखने आएंगे और आप देखते रहिए DRV न्यूज़ और हर समय सब्सक्राइब भी करिए लाइक भी करिए और याद भी करिए चंदा वीरानी का आप सबको नमस्कार